हेलो व्यूअर्स, बिहार राज्य योजना के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और मैं हूं आतिफा। तो आज की हमारी दो योजनाएं रहेंगी कृषि वानिकी योजना और अल्पसंख्यक छात्रावास योजना। तो चलिए पहले बात करते हैं कृषि वानिकी योजना की। इसके परिचय को देखेंगे। इस योजना का मकसद किसानों को अपनी जमीन पर पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी फसलों को भी लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के लिए पर्यावरण एवं वानिकी विभाग बिहार सरकार को नोडल विभाग बनाया गया है। इसके लाभ की बात करें तो किसानों को सरकारी नर्सरी के माध्यम से 10 रुपए प्रति पौधा की दर से शिशु पौधे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। किसान अगर वन विभाग से खरीदे गए पौधों का 50% अपनी भूमि में 3 साल तक सुरक्षित रखते हैं तो 60 रुपए प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही शिशु पौधे खरीदने में किए गए खर्च की राशि भी किसानों को वापस कर दी जाती है। अब बात अगर इसकी पात्रता की करें तो इसके तहत राज्य के सभी किसान इसमें शामिल हैं। किसानों को कम से कम 25 पौधे लगाने होते हैं। पौधे खरीदने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरी योजना अल्पसंख्यक छात्रावास योजना की। इसके परिचय को देखेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए बने छात्रावासों में रहने वाले सभी लड़कों और लड़कियों को सरकार आर्थिक सहायता देती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है। अब बात इसके लाभ की करें तो इसके तहत छात्रावासों में रहकर कक्षा 9 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को 1,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रों को हर माह 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं भी उपलब्ध कराया जाता है। इसकी पात्रता पर नजर डालें तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में नामांकित एवं उनमें निवास करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययन करना आवश्यक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और स्टेट स्कीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।